हेलो गाइस, मैं हूं अमित और आज दिमाग में आया कि कुछ तूफानी करते हैं। तो आज हम लोग बनाने वाले हैं एक पैराशूट और उसको टेस्ट भी करने वाले हैं। लेकिन आप लोग प्लीज ऐसा कुछ भी ट्राई मत कर लेना यार, ये डेंजरस रिस्की हो सकता है। पैराशूट का दोस्तों जो काम होता है वो होता है कोई भी गिरती हुई चीज को स्लो करना, और आज हम जो है उसको टेस्ट भी करेंगे यहीं पर। देखो खुले माहौल में है, कोई प्लेन तो हमारे पास में नहीं है, बट फिर भी कोई ऊंची सी जगह ढूंढेंगे 4-5-6 फीट की और सेफ्टी के साथ में चीजें करेंगे। तो फटाफट जो शुरू करते हैं, आप लोग ट्राई मत करना, नीचे जो लाइक का बटन है बस वो दबा देना। तो अब वीडियो के मजे लो। और भाई असली वाले पैराशूट की फील आए इसलिए मैंने एक बैग ले लिया है और ये बैग भी काम आएगा। तो इस बैग के अंदर क्या है मैं आपको दिखाता हूँ। इसमें है सारा सामान पैराशूट बनाने का। एक है इसके अंदर इस तरीके की पन्नी जिसको कि आप तिरपाल भी बोल सकते हो, ये देखो। और इसके अंदर है भाई रस्सियां कहाँ गई। और भाई इसके अंदर है रोप्स जिनसे जो है हम पैराशूट को बांधेंगे। ये जो है रेशम की रस्सियां हैं, बहुत मजबूत रोप्स हैं। और भाई इसके अलावा भी हमको कुछ चीजें और चाहिए, जैसे कि ये पेपर कटर और एक कैंची। तो अब पैराशूट को बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो इस पन्नी को फैलाना पड़ेगा, पकड़ना भी। और ये काफी बड़ी है भाई। भाई हमने जो है सारी रस्सियां बांध ली है। अब एक बार इसको ऐसे ही टेस्ट कर लेते हैं कि ये हवा में उड़ता है, हवा इसमें भरती है या नहीं। तो चलो चलो चलो। तो भाई थोड़ा सा और मॉडिफिकेशन किया, रस्सियां छोटी बड़ी करी हैं। अब एक बार दूसरा टेस्ट करते हैं। चलो ठीक है। ये बहुत ज्यादा ड्रैग पैदा करता है, बहुत दम लगता है यार। और भाई इस पैराशूट को लेके भागने में बहुत दम लगता है यार। तो भाई अब जो है इनको इस बैग पे बांध के भी ट्राई कर ही लेते हैं एक बार। बराबर बांधना भाई। और जो पैराशूट है वो भाई अब कुछ शेप में दिखने लगा है, तो इसको लेके भाग लेते हैं एक बार। और यार बहुत दम लगता है। तो भाई ऊंचाई से तो गिर नहीं सकते, बट आप लोग समझो कि जो हवा है ये उसको कितना रोक पा रहा है। पैराशूट क्या करता है, ड्रैग पैदा करता है। जब ऊपर से गिरता है ना तो हवा को अपने अंदर फंसाता है एक तरीके से, और यहाँ पर भी वही हो रहा है। हमको भागने में बहुत दम लग रहा है, और एक्चुअली में क्या होता है कि जो ओरिजिनल पैराशूट होता है 1 किलो वेट के लिए हमको लगभग 4 स्क्वायर फीट का एरिया चाहिए होता है, और इसका एरिया हमने उससे भी ज्यादा रखा है। और भाई मुझे नहीं पता कि मैं इसको लेके भाग पाऊंगा या नहीं। चलो एनिमीज अहेड, क्या बोलते हैं पबजी में, मुझे नहीं आता। ये लो। तो भाई इसको जो है काम कराने के लिए थोड़ी ज्यादा ऊंचाई चाहिए, लेकिन मैं इतना पागल नहीं हूं जो कि इस पैराशूट की मदद से ऊंचाई से कूदूंगा। तो भाई
अगर आपको आया इस वीडियो में मजा तो लाइक जरूर से कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और भी ऐसी ही मस्त मस्त एक्सपेरिमेंट वीडियोज के लिए। भाई इसको भाग के जो है लेके भागने में बहुत ज्यादा दम लगता है और वही चीज हमको ऊपर से गिरने से भी रोकती है। मेरा फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस था कोई भी पैराशूट के साथ में, तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए, मैं थक गया बुरी तरह। चलो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बंद करो अब।